अगर ये कहते हैं कि 20 किलोमीटर पर पाकिस्तान है तो प्राइम मिनिस्टर क्यों 600 मीटर पर वहां जाना चाहते थे? क्या ये पंजाब को बदनाम करना चाहते थे? पंजाबी जो है कभी किसी के नीचे नहीं लगते। हम मोदी के साथ लड़ाई लड़ेंगे और आखिरी दम तक लड़ाई लड़ेंगे। मुख्यमंत्री चंद्र सिंह चन्नी दे रिश्तेदारा घर ईडी दी रेड पैण तो बाद माहौल लगातार गरमाया होया है। सियासी पार्टियां दे वल्लों लगातार कांग्रेस सरकार ते निशाने साधे जा रहे ने। उथे ही जेकर कांग्रेस की गल करिए तां कांग्रेस दा इल्जाम है कि केंद्र सरकार वल्लों बदलाखोरी की भावना दे नाल इह रेडां करवाईआं जा रहीआं ने। उथे ही तुहानूं दस दईए कि हुण पंजाब दे उप मुख्यमंत्री सुखजिंदर रंधावा वल्लों भी भाजपा ते तिखे शब्दी हमले किए गए ने। उन्हां भाजपा ते पंजाब नूं बदनाम करन दे इल्जाम लगाए ने। हाँ जी, तुहानूं दस दईए कि रंधावा ने कहा कि अंग्रेजों नाल लड़ाई विच पंजाबियों ने अपनियां जानां कुर्बान कर दित्तियां। भाजपा दा इस विच की योगदान है? तुहानूं दस दईए कि सुखजिंदर सिंह रंधावा ने कहा कि जेकर भाजपा दे वल्लों एक भी योगदान गिना दित्ता जांदा है तां उस दे वल्लों माफ़ी मंगी जाएगी। इस दे नाल ही तुहानूं इह वी दस दईए कि पत्रकारां नाल गलबात करदिआं रंधावा ने कहा कि भाजपा पंजाब नूं बदनाम करना चाहुंदी है। रंधावा ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी का जदों काफिला रोकिया गया उत्थे कोई भी किसान नज़र नहीं आया, सगों भाजपा दे वर्कर ही उत्थे नज़र आए सी। प्रधान मैं उस दिन भी मैंने कहा, आज भी मैं कहता हूँ कि SPG ने प्राइम मिनिस्टर को 20 मिनट वहां किस काम के लिए खड़ा रखा? क्यों अगर ये कहते हैं कि 20 किलोमीटर पर पाकिस्तान है तो प्राइम मिनिस्टर क्यों 600 मीटर पर वहां जाना चाहते थे? क्या ये पंजाब को बदनाम करना चाहते हैं? पंजाब को ये दिखाना चाहते हैं कि हम आतंकवादी हैं? इनके पास तो कोई गया ही नहीं, पता नहीं कहां खड़े थे किसान, खड़े भी हैं या नहीं। तो वहां तो इनके आपके माध्यम से हमें पता चला, आपके चैनल चला रहे हैं कि मोदी जिंदाबाद, बीजेपी के झंडे थे। कहां वहां किसान का झंडा था? कहां किसी ने कहा मोदी मुर्दाबाद है? तो यार देखिए, पंजाब को बात सुन लीजिए, पहले पंजाब को बदनाम करने की बात है, ठीक है। हमारे SC है, चीफ मिनिस्टर SC है, पर वो कमजोर नहीं है, हम उसके साथ हैं, पूरा पंजाब उसके साथ है। मुगलों वाली बात कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर, बिल्कुल हम बात सुन लीजिए। अगर वहां रेड हुए हैं, पंजाबी जो है कभी किसी के नीचे नहीं लगते। हम मोदी के साथ लड़ाई लड़ेंगे और आखिरी दम तक लड़ाई लड़ेंगे। दूसरी जो आपने मुगलों की कही, मुगलों ने पंजाबियों के ऊपर जुल्म किए, हमने उनके भी सहे। अंग्रेजों ने हमें खत्म करने की कोशिश की, हमने पंजाबी कभी खत्म नहीं हुआ, और पंजाब ने सबसे ज्यादा कुर्बानियां देकर हिंदुस्तान को आजाद कराया। दूसरी बात, तीसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि बीजेपी का कोई लीडर खड़ा होकर कह दे कि हमारी परिवार ने या बीजेपी के किसी लीडर ने हिंदुस्तान की आजादी में जे काम किया है तो सुखजिंदर सिंह रंधावा माफी मांगेगा और हम सभी कहते हैं। मेरे को आपने मुगलों की बात की है, मैं कहता हूं कि इनका आजादी में देर क्या है वो पहले बता दें। तुहानू दस दे कि चरणजीत सिंह चन्नी दे रिश्तेदारा घर ईडी दी रेड पैण तो बाद कांग्रेस दा इल्जाम है कि केंद्र सरकार वल्लों प्रधानमंत्री मोदी दी सुरक्षा च हुई कुताही मामले दे विच सियासी बदलाखोरी की जा रही है। कांग्रेसी आगू का कहना है कि पंजाब ने हमेशा ही दिल्ली नूं मूंह तोड़ मार जवाब दिता है, भावें कि वह मुगलों का समा हो फिर वर्तमान समा। उन्हें कहा कि चोणां समय केंद्र सरकार ईडी सने होर एजेंसियां की दुरवरतों कर रही है और बाम रोड़ के चोणां जितना चाहती है। फिलहाल तुहानूं दस दईए कि पंजाब विधानसभा चोणां नज़दीक ने ते 20 फरवरी नूं पंजाब विधानसभा चोणां होण जा रहीआं ने ते 10 मार्च नूं इन्हां दे रिजल्ट ऐलाने जाणगे। दस दईए कि चोणां तों इहनां पहलां मुख्यमंत्री चंद्र सिंह चन्नी दे रिश्तेदारां दे घर ईडी दे वल्लों छापेमारी की जा रही है, जिस दौरान उन्हां वल्लों दावा किया गया है कि उन्हां वल्लों करोड़ां रुपए जब्त किए गए ने। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाबी लोक चैनल।